नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं यूसुफ अली, आप देख रहे हैं सैफ न्यूज़ लाइव। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। पूरी दुनिया में आज एक आवाज जो है वो उठ रही है, फलस्तीन जनता के साथ खड़ा रहने की आवाज। 120 देशों के नेता लोगों ने वो आवाज जब उठाई है, वो उस देश के जनता भी जरूर, उनके आवाज भी उन लोगों के साथ में है। हमारा देश के पंत प्रधान या हमारे देश के जो भी अधिकारी हैं, उन्होंने फलस्तीन के साथ ना रहने का निर्णय तो लिया है, मगर इस देश के जनता जो है वो फलस्तीन के साथ है। ये ऐलान करते हुए पूरे देश के अंदर जगह जगह पर इस तरीके के बहुत बड़े बड़े जुलूस निकल रहा है, बहुत बड़े बड़े सभाएं ली जा रही है, जहां पे लोग जो है अपने सभी समय को, सभी अन्य काम को बाजू में रखते हुए इस जुलूस में, इस सभा में शामिल होने के लिए, अपना मत व्यक्त करने के लिए आ रहे हैं। जैसे साथी प्रकाशन ने यहाँ पे बताए कि पुलिस वालों ने शर्मा जी को पूछा, जब जो लेटर हमने दिया उसके बाद उनको बुला के पूछा कि दूर दुनिया में कुछ हो रहा है, आप लोग को इधर क्या करने का जरूरत है। इसी तरह का सवाल आज शाम को भी हम लोगों ने कई लोगों से सुना, और मेरे कुछ दोस्त लोगों ने भी इस तरीके का सवाल जो है हमारे सामने रखा। एक सवाल जो है वो आसानी से रख सकता है, वो बता रहे कि उन्होंने अटैक किया इसलिए तो अभी मार रहे ना, झूठ बातें हैं सब। दुनिया में कुछ मीडिया ऐसी है जो कुछ चीज़ ही दिखाना चाहते हैं, बाकी सही असलियत सच्चाई वो नहीं दिखाते हैं। ये आप समझ लीजिए, ये 2023 में ये सभी बड़ा युद्ध शुरू होने के पहले ही सितंबर महीने तक करीबन 1000 लोग फलस्तीन के अंदर मर चुके हैं, उनको मारे गए थे। तो ये आपको समझने की ज़रूरत है। पिछले 3 साल से लगातार जनवरी फरवरी महीने में 300 से अधिक बच्चों की कत्लेआम फलस्तीन में लगातार होते आया है। ये तरीके का जो नाइंसाफी फलस्तीन के साथ जो हो रहा है, इसराइल, अमेरिका और अन्य जो आतंकवादी साम्राज्यवादी देशों की मदद से जो कर रहे हैं, इसके खिलाफ आवाज उठाने के लिए आज हम लोग सब इधर पे जमा है। बहुत सारे, बहुत अच्छे संख्या में महिलाएं भी आज यहाँ पे मौजूद हैं। मैं याद करती हूँ जब यहाँ पे CNRC का बड़ा लड़ाई चालू था, जिसकी पहले ये संविधान बचाओ अभियान हमने वसई में शुरू किया था, उस आंदोलन में बहुत बड़े पैमाने पर औरतें जो निकले थे पूरे देश के अंदर, ये वसई के अंदर के जितना आदमी लोग निकल रहा है उतना ही औरतों को भी हमको इस आंदोलन के अंदर उतारना बहुत जरूरी है। हर मजहब के, हर जाति के, हर तबके के औरत और आदमी इकट्ठा होकर इस रास्ते में उतरना जरूरी है, ताकि सिर्फ फलस्तीन नहीं, आज फलस्तीन में जो कत्लेआम हो रहा है कुछ कम मात्रा में, मगर वो आज इंडिया में भी मौजूद है, ये हम भूलना नहीं चाहिए। अपने साथी समीर वर्तक ने यहाँ पे बताया कि मणिपुर के अंदर इस तरीके का कत्लेआम हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, और वहाँ पे नीति लाने का, न्याय लाने का कोई कोशिश अपनी सरकार की तरफ से नहीं हो रहा है, और ये हम भूलना नहीं चाहिए। ऐसे बहुत से कत्लेआम जो है अपने देश के अंदर, गुजरात में, महाराष्ट्र में, यूपी में, ऐसे अनेक जगहों पर, यूपी के करीबन 600 जगह पर लगातार इस तरह के कत्लेआम होने के बाद यह सरकार 2013 में, सरकार यहाँ पे 2014 में यहाँ पे नया सरकार आया था,
तो ये सब चीजों को हमें भूलना नहीं चाहिए। इस देश के अंदर के लड़ाई उसी लड़ाई साम्राज्यवाद के खिलाफ की लड़ाई, ये लड़ाई हम लड़ रहे हैं पूरे दुनिया में पैलेस्टीन के समर्थन में। दुनिया के 120 देश जैसे पैलेस्टीन के समर्थन में आज लड़ाई लड़ रही है, उसी तरह की एक लड़ाई जो है वो लड़ाई में हम शामिल होते हुए हमारा देश के पंथ प्रधान और हमारे देश की सरकार को भी हमें मानने को मजबूर करना चाहिए कि आप भी फलस्तीन के साथ खड़े हो जाइए, इंसानियत के साथ खड़े हो जाइए। जो बच्चे बचे हैं फलस्तीन के अंदर उनको जीने की उनका जीने का संघर्ष में साथ में मिलकर खड़े हो जाइए। ये बोलने का हिम्मत जो है ये सरकार भारत सरकार का हो जाए, इस तरीके का लड़ाई जो है, इस तरीके का समर्थन जो है हमको फलस्तीन के पक्ष में रस्ते में उतर कर करना है। आने वाले दिनों में वसई में और बढ़ चढ़ कर जुलूस होगा, और बढ़ चढ़ कर सभाएं होगी, और बढ़ चढ़ कर लोग रस्ते में उतरेंगे, ये उम्मीद रखते हुए मेरा बात में खत्म करती हूँ। वीडियो में चल दिखाई दे रहे गूगल पे बारकोड को स्कैन कीजिए, चैनल को ज्वाइन बटन दबाकर ज्वाइन कीजिए, हमें आर्थिक रूप से मजबूत कीजिए। अभी के लिए इतना ही। अरे चैनल सेफ न्यूज लाइव पर अपने व्यापार और सेवा से संबंधित विज्ञापन प्रसारण हेतु दिए गए मोबाइल नंबर पर संपर्क करें।